हाय इट्स मी आकांक्षा पुरी और मैं आज यहां पर वो बातें कर रही हूं दिल से जो मैंने आज तक कहीं और नहीं की सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ कनन के YouTube चैनल पर सो गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ मेरी बहुत ही बहुत ही पुरानी दोस्त जो हमेशा फ्रेश लगती है बट आकांक्षा पॉइंट ब्लैंक फेक मगरमच्छ के आंसू oh बहुत ज्यादा ग्रूमिंग हो चुका है इंडिया तुम जैसे महिलाओं के साथ रिलेट नहीं कर पाएगी ये सारे टर्मनोलॉजी तुमने हाल ही में सुना है क्या ये hmm. बुलेट की तरह तुम्हें यहां लगता है टू कॉन्फिडेंट जो मुझे लगता था सिद्धार्थ आज तक मेरी स्ट्रेंथ है एंड यू नो ये चीज़ों को लेके मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये मैंने कमाया है दिस इज समथिंग दैट मेरी पर्सनैलिटी का सबसे सबसे बड़ा हाईलाइट है मेरा आम प्राउड ऑफ इट और आज तक सबसे सबसे ज़्यादा प्राउड मैं जिस चीज़ को हूँ इतनी uh, लोगों से मैं मिली सब लोगों ने कोशिश की आकांक्षापुरी को बदलने की बट बद आकांक्षापुरी नहीं बदली आईव ऑलवेज स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड आई ऑलवेज बीन रियल

अपनी दिखाई yeah. लगता है कारण कुछ हो सकता है कुछ हो सकता है से कुछ हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है hmm. या फिर इनसाइड कुछ और चल रहा था डेफिनेटली जब मैं स्टेज पे ही एंटर हुई

तो ये किसके ओपिनियन है ये आपके ओपिनियन है या आपको बोले जा रहे हैं ऐसा बोलने को ये क्या है क्योंकि जनता ने तो डेफिनेटली नहीं बोला अगर होता तो मैं थर्ड रैंकिंग पे नहीं होती तो ये कौन बोल यू थिंक द मेकर्स ऑफ बिग बॉस आई गेस सो बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है वो तो मुझे सालों से नहीं जानते जनता मुझे देख रही है सालों से तो फिर क्या मेरा इतना कॉन्फिडेंट uh, होना या मेरा पिक्चर परफेक्ट हर कोई नहीं होता रो ये भी एक इंडियन लड़की है आज की 2023 में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे देख के इंस्पायर होते हैं बहुत सी लड़कियां हैं हम लोग सालों से मुंबई में रह रहे हैं अकेले रह रहे हैं हमारा स्ट्रगल अकेला है ये है मेरा स्ट्रगल यहाँ सर्वाइव करने का यहाँ कंसिस्टेंटली काम करने का और मैं कंटिन्यूसली बहुत सालों से काम कर रही हूँ इसने मुझे और कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाया है तो क्या वो ही मुझे नकली बना देता है इन लोगों के लिए क्या उसकी वजह से मैं फेक दिख रही हूँ ज नॉट सम और इसकी वजह से उन्होंने मुझे जो जनता ने थर्ड रैंकिंग दी थी वो बिल्कुल ही डिसऑन कर दी और मुझे कहा कि हमें नहीं लगता कि आपको घर में अभी जाना चाहिए और मुझे घर में नहीं भेजा गया है तो फिर मेकर आपके खिलाफ क्यों होंगे यही बात मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे कोई रॉ होके या कुछ और बन के तो मिली नहीं थी ऐसे ही मिली थी ऐसे ही वो और ये शो पहली बार नहीं ऑफर हुआ मुझे ये शो मुझे तीन से चार सालों से ऑफर हो रहा है तो आप मुझे इतने टाइम से जानते हैं मैं ऐसी ही हूँ ऐसी ही इतनी ही कॉन्फिडेंस से मैं आपसे मिली थी इतनी ही ग्रूमिंग के साथ मैं ऐसे मिली थी अभी आप कह रहे हैं आप मिस इंडिया वाइब दे रहे हैं जब खड़े हैं तो एक्सक्यूज़ मी जब मैं आपसे मिली थी तब भी मैंने आपको यही वाइब दिया था तो अब ये वाइब गलत हो गया अब इसकी वजह से मुझे घर के अंदर जाने के लिए मैं पहले ही दो दिन गेम में पीछे थी मुझे दो दिन बाद घर में भेजा गया सिर्फ और वहाँ पे पैनल ऑफ जजेस में पूजा मैम भी बैठी थी जो बाद में एज अ कंटेस्टेंट आई है घर के अंदर ये सब उन्होंने भी सुना है वहाँ बैठ के जो ये वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए गए हैं और बाद में ये अगर घर के अंदर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो मुझे पता है ये कहाँ से आ रहे हैं

मैंने सिर्फ एक रियलिटी शो जीता है मीका दी वोटी। वो शो शो और ये शो में ज़मीन आसमान का फर्क है ये शो और उसमें मैं दस एपिसोड में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री गई थी और शो जीत के आई थी तो क्या ये मेरा गुनाह हो गया ये मेरा गुनाह है कि मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ और इसीलिए आप मुझे शो में अंदर नहीं भेजेंगे इनफैक्ट मनीषा रानी तुमसे कह रही थी कि यार तुम्हारी स्ट्रगलिंग स्टोरी क्या है और शायद तुम्हारा conversation हुआ था कि देखो मेरे पास फादर पुलिस कमिश्नर है आपकी माता जी भी astrologer है, astrologer है. है. जी, जी. तो आप कह रही थी कि मेरे पास स्ट्रगलिंग स्टोरी है नहीं बट यू हैव स्ट्रगलिंग स्टोरी जो अलग है जो डिफरेंट है क्या है सी बिग बॉस ने भी कहा जब मैं आ, जब खाने के लिए मुझे फेक अलर्ट आया था जब खाने के आ, पीछे मैं इमोशनल हो गई थी मेरे आंसू निकल गए थे और मैं इमोशनल हो गई थी कि खाना सब लोगों को कम मिल रहा है मेल लोग मेल्स की डाइट ज़्यादा होती है मैंने एक कंटेस्टेंट को अपने प्लेट में से थोड़ा खाना दे दिया तो उन्होंने मुझे आप त्याग की मूर्त है महान है ये है वो हैं आप फेक हैं इसीलिए आप जेल जाती हैं मैं फ़ेक हूँ क्योंकि मेरे आंसू आ गए मैं फेक हूँ क्योंकि मैंने अपने इमोशन एक्सप्रेस कर दिए और आपको ने आपने नहीं देखा क्या सबने हाथ ऊपर करे मैंने उस टाइम हाथ ऊपर नहीं किए थे क्या आपने कभी खाने का स्ट्रगल नहीं देखा हाँ मैंने नहीं देखा सदार्थ मैंने नहीं देखा मेरे घर वालों ने आज तक मुझे हर चीज़ दी है शायद उन्होंने वो स्ट्रगल देखा होगा पर दे मेड श्योर कि उनके बच्चों को वो स्ट्रगल ना करना पड़े एंड आई एम प्राउड ऑफ इट आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स की उनकी वजह से मैंने कभी ये वाला स्ट्रगल नहीं देखा बट सबका स्ट्रगल अलग होता है आज मैं अकेली हूँ इतने साल से बॉम्बे में अकेली रह रही हूँ आज भी मेरे पास कोई है नहीं मैं सिंगल हूँ इस फेज में अपनी लाइफ के मेरे पास वो शोल्डर नहीं है जब मैं घर से भी बाहर आई बिग बॉस के मैं क्रू को और उनको बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे असिस्टेंट मेरे ड्राइवर को कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि मेरे घर की चाबी उसके पास है मेरी फैमिली नहीं है मेरा दरवाज़ा खोलने के लिए या मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड या लवर नहीं है जो मुझे बोलेगा आकांक्षा इट्स ओके तो मैं एलिमिनेट हो गई बट आई एम देयर फॉर यू मैं अकेली हूँ और ये मेरा स्ट्रगल है और आज तक मैंने अकेले ही हर चीज़ की है लाइफ में मैं इतनी स्ट्रांग हूँ एंड क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ लाइफ में ये मेरा स्ट्रेंथ है और जो मेरा स्ट्रेंथ है उसे आप फेक बोल रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई स्टिल स्टैंड स्ट्रोंग कि ये मेरा स्ट्रगल है बट ठीक है मैंने स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बनाया बहुत से लोग मेरी लाइफ में आए मेरे दो रिलेशनशिप्स रहे वो वर्कआउट नहीं किए लास्ट रिलेशनशिप के बाद शायद मैं काफ़ी टूट गई कि मुझसे मुझे, मुझे अब नहीं होता लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा जो प्यार और इमोशंस मैंने लोगों पे इन्वेस्ट किए थे अब मैं अपने आप पे करती हूँ मैं अपने आप से प्यार करती हूँ अपने काम को डेट कर रही हूँ ये है मेरा स्ट्रगल तो क्योंकि मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है क्योंकि मैंने खाने पर स्ट्रगल नहीं किया क्योंकि मैंने दस लोगों के साथ अपना रूम शेयर नहीं किया इक्लाविश लाइफ जी है तो इसका मतलब मैं स्ट्रगल नहीं किया आप रह के बताइए इतने साल अकेले मुंबई में लोग टूट जाते हैं लोग अपने बैग पैक करके वापस चले जाते हैं एक फीमेल आर्टिस्ट का एक आर्टिस्ट का यहाँ पे क्या स्ट्रगल है ये आपको भी पता है और वो स्ट्रगल अकेले करना अकेले रहना एक एक बंदा भी नहीं है आपके पास जो ये कह दे कि हाँ आकांक्षा कोई बात नहीं मैं हूँ ना मैंने आज तक वो नहीं सुना मैंने वहाँ से एलिमिनेट जो मेरा एक अजीब सा एलिमिनेशन हुआ उसके बाद भी आके चाबी ढूंढी क्रू से परमिशन ली कि प्लीज़ मेरे ड्राइवर को कॉल कर लीजिए ताकि मेरा चाबी घर की मिल जाए आके मैंने ताला खोला है अकेले जाके घर में सोई हूँ मेरे पास नहीं था कोई रात भर मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में थी वो मेरा स्ट्रगल है बट ठीक है मैं अपने स्ट्रगल को पाँच से दस मिनट अफेक्ट करती हूँ अफेक्टेड uh, like होती हूँ उसके बाद आई गेट बैक वो मेरी स्ट्रेंथ है उसी चीज़ का मजाक भी बनाया गया बिग बॉस ने बोला आप दस मिनट के अंदर ही बाहर मनीषा के साथ नाच रही थी आप खुश थी ऑब्वियसली मैं अपने इमोशंस को लेके नहीं बैठती है मैंने इतने सालों में सीखा है मेरा अगर उस टाइम शॉट भी होता है मैं जाके मेकअप रूम में रो लेती हूँ बाहर जाके अपना मोस्ट रोमांटिक या कॉमेडी शॉट देती हूँ क्योंकि ये मैं हूँ ये मेरा स्ट्रगल है कि अपने इमोशंस को मैं हावी नहीं होने देती अपने ऊपर उसी चीज के लिए आप मुझे फेक बोल रहे हैं दैट हर्ट्स दैट रियली तो यानी कि ये सारे आरोपों के बाद yeah. आपने अपने घर का दरवाजा खोला आप अकेले गई जी. कोई परिवार का सदस्य नहीं है कोई नहीं क्योंकि माता पिता कहां पे इंदौर में रहते हैं इंदौर में है, जी. कोई नहीं, नहीं, नहीं। वहां पे आप अकेले गई जी. किसी से बात नहीं कर पा रही थी आप नहीं नींद आई सही से सच बोलू तो उस रात तो नहीं सोई उस रात नहीं सो पाई और जबकि मुझे चौदह दिन तक बिग बॉस के घर में गद्दा नहीं मिला मुझे बेड नहीं मिला चलिए बेड बेड की उम्मीद तो मैंने छोड़ दी थी तीन दिन एटलीस्ट जेल में गद्दा मिला था बाहर तो बिग बॉस के घर में जब लोगों के पास पूरा पूरा सिंगल मतलब बड़ा किंग साइड क्वीन साइज बेड था मेरे पास बेड भी नहीं था उस घर में दो दिन मैं लेट आई मेरे मुझे मेरे, मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के वहाँ एक बीबी करेंसी का टास्क चल रहा था जिससे लोगों ने अपने बिस्तर खरीदे जो पहले दिन में ख़त्म हो गया था वो टास्क तो अगर मुझे वो टास्क नहीं मिला मैं दो दिन बाद लेट गई हूँ मेकर्स ने मुझे लेट भेजा है तो क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे एटलीस्ट एक बिस्तर दे दें मैंने उसकी भी कंप्लेन नहीं की आप मुझे गद्दा दे दीजिए मैं ज़मीन पे सो के आई हूँ और चौदह दिन तक सो के आई हूँ वो सब चीज़ें क्योंकि मैंने उसका मुद्दा नहीं बनाया तो क्या वो मुद्दा नहीं क्या मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हुई आज भी मैं अपने यहाँ से छुपा छुपा के घूम रही हूँ अपनी स्किन क्योंकि मेरे को तीन दिन जेल में रखा गया मुझे पूरे हीट बॉयल्स हो गए मैंने पाउडर डाल डाल के वहाँ एक बाल्टी और मग्गा था उससे पानी डाल के अपने आप को इतना नॉर्मल किया कि मैं वो तीन में तीन दिन निकाल पाई मैंने अपने वहाँ पे अगर आपने देखा हो वो वीडियो में भी है कि वहाँ पे मैंने एलेग्रा रखी हुई थी डोलो रखी हुई थी एलर्जीज हो रही थी मुझे पर मैंने कंप्लेन नहीं की फिर भी एक राशन का टास्क आया था उसमें जो पलक को दिया गया था जो मेरी दोस्त हैं कि या तो आप आकांक्षा को जेल से बाहर निकाल सकती हैं या पूरे घर वालों के लिए राशन आ सकता है मैंने बाहर से भी मुझे उससे बात करना अलाउड नहीं था पर मैं तब भी कैमरा में कंटिन्यूसली बोल रही थी कि प्लीज पलक मैं और जेल में रह लूँगी तो घर वालों के लिए राशन ले लें उसने वही किया जो कि बहुत सही किया उसने लोगों के लिए राशन लिया मेरी जेल की सज़ा और दो दिन बढ़ गई मैं बाहर नहीं निकली जेल से क्योंकि अगर मैं बाहर निकल जाती तो घर वालों के लिए राशन नहीं आता पर क्या जब वो राशन आया उन घर वालों में से सब लोग आके उन्होंने मुझे बोला थैंक यू आकांक्षा तेरे जेल में रहने की वजह से हम लोग आज बोला अंदर मुझे आवाजें आ रही थी मैं तो घर के बाहर थी जेल में वाह ये पी ये आ गया वो आ गया किसी ने आके एक इतना एटीट्यूड नहीं था उन घर वालों में कि आके मुझे बोलते कि थैंक यू यार तू यहाँ जेल में सड़ रही है यहाँ पे कीड़े मकोड़ों के बीच में बैठी उसकी वजह से मैं राशन आया थैंक यू एटलीस्ट एक थैंक यू तो डिजर्व करती थी मैं तो आई फेल्ट बैड आई रियली फेल्ट बैड घर वालों से तो ज्यादा मेरी शिकायत बिग बॉस से है क्या आपको घर के बाहर आने के बाद हुँ. दंके की चोट क्या आपको प्रोजेक्ट किया गया ऐसा वैम क्या आपको लग रहा है कि लोगों का परसेप्शन जो रियल आकांक्षा पूरी को नहीं जानते ऐसे ह्यूमन बीइंग आपको देख रहे नजरों से एज बीइंग दिस वैम्प वैम्प तो बिल्कुल नहीं क्योंकि वैम्प तो वहाँ घर में किसी और को देख रहे हैं बट मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आप तो नकली हैं आप तो फेक हैं आप क्योंकि मैं वैम्प नहीं इनफैक्ट उल्टा आ, लोगों को अगर केयर करती हुई अगर मनीषा की थाली लगाती हुई दिखी किसी को खाने में पूछती हुई अभिषेक की कॉफ़ी बनाती हुई दिखी ये सब तो नौटंकी है जबकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं ऐसी ही हूँ मैं अपने दोस्तों से प्यार करती हूँ उनका ख्याल रखती हूँ ये मेरा नेचर है तो ये सब तो नौटंकी तो वैम्प नहीं उन्होंने मुझे नौटंकी फेक नकली ये सब जरूर का आया जो में में yes, पे पे ने किया हुँ. कि Big Boss तेरा में आप थी और हुँ. आपके दो एक्स थे। exactly, जब मैं सलमान सर के साथ खड़ी थी जब पैनल ऑफ जजेस में संदीप जी थे आई थिंक उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि आकांक्षा आप आ, के बिग बॉस तेरा में आपके एक ही सीजन में दो बॉयफ्रेंड थे <laughs> उनमें से एक इज़ नो मोर राइट नाउ ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ये ज़रूरत शायद नहीं थी उस टाइम इस चीज़ को मैंशन करने की स्पेशली एक ऐसे इंसान के बारे को मैंशन कर रहे हैं आप जो अब इस दुनिया में भी नहीं है तो आ, मुझे नहीं अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशली बोला कि बिग बॉस तेरह में आपके दो एक्स बॉयफ्रेंड एक साथ थे फिर एक के बारे में मैं यहाँ अपने लिए खेलने आई हूँ मैं आकांक्षा आकांक्षापुरी जैसे आई हूँ अगर ऐसा होता तो मैं बिग बॉस थर्टीन में भी मुझे एज़ अ वाइल्ड कार्ड बुलाया गया था पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे श्योर था कि अगर मैं जाऊंगी तो ये गेम मैं अपने लिए नहीं खेलूंगी वहाँ कोई और हैं जो दो हैं कंटेस्टेंट हैं बातें वहीं सब होंगी मैं वो नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं काफ़ी साल रुकी इस शो को हाँ बोलने के लिए और मैं चाहती थी ये सब चीज़ें फेड आउट हो जाएँ और जब मैं इतना टाइम हो गया थर्टीन से आई थिंक सोलह सीज भी हो चुका है बिग बॉस सिक्सटीन भी हो चुका है उसके बाद आज जब मैं बिग बॉस ओ सीज़न टू में खड़ी हूँ आप स्टेज पे मुझे ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस थर्टीन में वो जो दो एक्स आपके एक साथ एक सीज़न में थे क्या आप लोगों को ये आ, याद दिला रहे हैं क्या ये रिविजन चल रहा है बताने का कि अरे यरे ये देखो तो यू नो लोग सर्च कर रहे हैं अच्छा ये वही है चलो चलो सर्च करो मुझे नहीं चाहती मैं ये मैं नहीं चाहती आप इसीलिए तो मैं अब आई हूँ आप ये ये सब बातें मुझे समझ नहीं आई या फिर से लोगों के दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि अरे ये तो वही है जिसके दो एक्स एक साथ एक सीजन में थे इज दिस इवन फेयर जिसमें से एक अब यहाँ नहीं है एटलीस्ट थोड़ी आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे लगता है ये शायद नहीं बोलना चाहिए था ये ज़रूरी नहीं था बिल्कुल भी वो भी स्टेज पे मेरी एंट्री पे तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया मुझे लगा था डेफिनेटली कि ये कुछ चीजें जिनसे मैं पीछा नहीं छुड़ा सकती और ना मुझे छुड़ाना इट्स ओके तो मेरी लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट था मैं वैसे ही याद रखना चाहती हूँ और मुझे पता था कहीं ना कहीं शायद घर में इस बातों का जिक्र होगा बट घर में तो छोड़िए यहाँ तो जजेस के थ्रू स्टेज पे ही हो गया तो इसके लिए मैं किसे ब्लेम करूँ हाउस को कि मेकर्स को कि जजेस को कि किस आप बताओ किसको हाउसमेट्स को तो डेफिनेटली नहीं कर सकती क्योंकि ये स्टेज पे हुआ तब तक तो मैं किसी हाउसमेट को मिली और frankly स्पीकिंग घर में कहीं भी एक्स वैक्स ये वो बात किसी हाउसमेट ने नहीं निकाली इनफैक्ट एक बार मेरी जद से बैठ के बात हो रही थी जब मैं उनसे अपने पास्ट का कुछ बात कर रही थी कि इस शो में कोई थी जब मैंने कोई नाम नहीं लिया वो बात भी मैंने निकाली थी खुद हाउस ने कभी ये बात आपने पारस के बारे में बात किया था घर में राइट मैंने नाम भी नहीं लिया था मैंने सिर्फ उनको बोला था कि इसलिए रिश्तों को लेके थोड़ी सी खटास है मेरे मन में और मुझे काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि जद इनिशियली वो मुझे लाइक कर रहे थे काफ़ी उनके साइड से वाइब था और मुझे भी उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मैं भी शायद ये आगे चल के अगर इसी ऐसे ही चलता रहता तो शायद मैं भी उनको उतना ही शायद ही म्यूचुअली इनिशियली एक लाइकिंग से कुछ और में बदल सकता था बट वो नहीं हुआ पोटेंशियल था उस बॉन्ड उस का डेफिनेटली पोटेंशियल था जो मुझे भी लगा इसलिए मैं भी रेसिप्रोकेट कर रही थी जिस बात पे अविनाश ने कमेंट भी किया था अगर वो 200 की स्पीड पे है तो तू भी 200 सो मतलब तू भी 100 की स्पीड पे है ऐसा नहीं है कि तेरे साइड से जीरो है और मैंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ यार मैं भी ऑब्वियसली म्यूचुअल है मैंने फलक और अविनाश बाहर बैठे थे उनको ये बात बोली भी थी कि मैं लाइक like करती हूँ जत को बट मुझे वक्त लगता है मैं इतनी जगह वो तो दो दिन में ही मुझसे इंडियन वेडिंग मैरिज ये सब बातें कर रहा था मुझे इतनी जल्दी मैं नहीं कर सकती और जब मुझे इतना वक्त लग गया मेरा रिश्ता 2019 में टूटा था हम 2023 में अभी तक मैं किसी को अगर डेट नहीं कर रही हूँ तो मुझे सच में वक्त लगता है तो मैं दो दिन में तो डेफिनेटली नहीं मैं बट उस चीज को सच में मुझे लग रहा था उसमें पोटेंशियल है मुझे वो लाइकिंग फील हो रही थी जद के लिए और आई थिंक उस लोगों को दिख भी रहा था जनता को भी शायद दिख रहा था बट वीकेंड के वार में सलमान सर ने बोला कि अः जत को बोला गया कि आ, ये जो आकांक्षा वाला एंगल है काफी फेक लग रहा है वन साइडेड ऐसा कुछ बोला उन्होंने जो नहीं अच्छा लग रहा है बट आपका और मनीषा का एंकल जनता बहुत पसंद कर रही है उसी के बाद का टू जद बिल्कुल शिफ्ट हो गए और वो सिर्फ़ मनीषा मनीषा पे उन्होंने वो क्यूट एंगल जो उनका चल रहा था उस पर फोकस करने लगे एकदम से उन्होंने डिस्टेंस कर दिया मुझसे उसके जो भी उन्होंने रीजन दिए हो मुझे नहीं पता पर उसके बाद जद और मेरी आ, कोई ऐसा कनेक्शन मुझे उनके साइड से फील नहीं हुआ तो वो जो दो दिन तक इंडियन वेडिंग तक जो बात पहुंच गई थी तुम तो वो लड़की हो सारे बॉक्सेस टिक करती हो वो सब बातें कहाँ गई बट दैट डज दो सरप्राइज़ मी क्योंकि लाइफ में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है Uh, बहुत लकी नहीं हूं मैं पर्सनल लाइफ के स्पेस में तो मैं शायद अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी ही हो गया इससे पहले की पोटेंशियली और मैं ज्यादा अटैच होती कुछ फील करने लगती अच्छा हुआ उससे पहले ही उन्होंने खुद ही डिस्टेंस कर लिया जब सलमान खान ने सॉरी कहा जी टू पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ यू जी हाउ डिड यू फील दैट टाइम आई फेल्ट ओब्वियसली मैंने देखा भी बाहर आके वो सब कि उन्होंने बोला एंड मुझे डेफिनेटली बुरा लगा कि होस्ट को सॉरी बोलना पड़ रहा है बट मुझे बुरा उससे ज़्यादा इस बात का लगा कि बाहर आके मैंने वो सॉरी वाली वीडियो तो सच बताओगे सिद्धांत मैंने इतनी नहीं देखी थी जितनी मैंने बैक टू बैक वो वीडियोस देखी जो प्रमोशनल वीडियोस टीज़र ट्रेलर जो ऐप पे ही पोस्टेड थे जिनकी रील्स बनी हुई थी जो फुल ऑन प्रमोट हुई थी जिसके थम नेल बना के एपिसोड में लगे हुए थे स्क्रीन था मेरा और जद का किस करते हुए उसमें नीचे लिखा था हॉटेस्ट किस एवर एपिसोड का नाम ही वो है आप अगर सर्च करेंगे ऐप पे जाके तो एपिसोड का नाम भी वही है तो मैंने वो चीज़ ज़्यादा देखी सॉरी वाली वीडियो तो मैंने कम देखी तो जब एक तरफ आप उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं और मुझे पता चला कि पुनीत के एपिसोड के बाद शायद इस एपिसोड को ही सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली है आप पूरा प्रमोट कर रहे हैं पूरा आप आई फील बींग यूज सम आपने मुझे पूरा इस चीज़ के लिए यूज भी कर लिया वहाँ आपके होस्ट को इस बात के लिए सॉरी बोलना पड़ रहा है तो ये बातें मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग लगी और अगर ये सच में गलत था हम माइक गलत पहनते थे वहाँ पे तो हमें आवाज़ आ जाती थी बिग बॉस की कि माइक सही करो इंग्लिश में बात मत करो तो आप तब एक और आवाज़ आ सकती थी ये टास्क यहीं रोक दो हम रोक देते पर ऐसी तो कुछ आवाज़ नहीं आई हम लोग कंटिन्यू काफ़ी वक्त लगा उस टास्क में पहले वो टास्क डिसाइड हुआ था टीम ए में जब उन्होंने डिसाइड किया कि आकांक्षा और जद को ये टास्क देंगे फिर हमने लिया फिर हमने एक्सेप्ट किया फिर तीस सेकेंड वो किस किया तो इस बीच में कहीं भी इतना वक्त नहीं था जब वो हमें रोक देते तो so यू the, the no वो आज टेलीकास्ट हुई है उसके इतने प्रोमो कटे हैं इसीलिए उसकी रील बनी है इसीलिए वो हर जगह है तो uh, और उस चीज का ब्लेम लेते हुए मैं आज घर से बाहर हूं तो आई डेफिनेटली फील बींग यूज समहा तो आपको लगता है मेकर्स भी पूरा मैनिपुलेशन करते हैं आप तो ये कह सकते हैं पर मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है मैं घर से बाहर हूं ये फैक्ट है तो ये भाई साहब जड ने बोला कि आप बैड किस्सर हो उसकी किस कैसे रेटिंग कैसे करोगे आप

नहीं ऑब्वियसली आई फेल्ड ऑब्वियसली मैं भी किस कर रही थी बट मैं uh, मेरा इंटेंशन था कि अगर ये लिप टू लिप टच भी हो जाए तो भी मैं टास्क जीत जाऊंगी तीस सेकेंड हो जाएंगे हमें लिप्स टच करके रखने हैं बट वो properly लिप्स इन्वॉल्व करने लग गया अपना सब इन्वॉल्व टंग इन्वॉल्व करने लग गया वो प्रॉपर एक uh, kiss कर रहा था uh, जो शायद मैं इतना reciprocate में थोड़ा 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 कर रही थी ताकि मेरे लिप्स अलग ना हो जाएं और मैं ये टास्क ना हार जाऊं मैं डेफिनेटली उतना रिस्पॉन्स बट मेरा उतना नहीं था जितना उसका था तो उसे उतना नहीं मिल रहा था जितना वो दे रहा था तो इतना गिव एंड टेक हो नहीं रहा था तो शायद इसीलिए ऑब्वियसली वो एक परफेक्ट किस उसके हिसाब से नहीं थी बट किस की रेटिंग नहीं थी इसमें इसमें था कि तीस सेकेंड तक आपको ये टास्क जीतना है जो मैं जीती आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था इस किस का मॉम डैड ने फ्रैंकली इतना आज तक ना मेरे काम में कभी इंटरफेयर किया है ना कभी करेंगे उन्होंने बस एक ही बात बोली कि आकांक्षा हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं आप ठीक हो ना आई यू ओके एंड मैंने बोला हाँ आम ओके कहते हैं ओके वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू हम हमेशा आपके साथ हैं उन्होंने इतना बोला उन्होंने फ़ोन रख दिया इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला मेरे मॉम डैड ने और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे